जी हाँ दोस्तों, बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता ने मीडिया के सामने तोड़ी अपनी चुप्पी। शो छोड़ने की बात पर पहली बार बोली मुनमुन दत्ता। क्या है पूरी बात सभी बताएंगे इसी वीडियो में। से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। और हाँ, आपकी वीडियो के बारे में जो कुछ भी रहे अपनी राय कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दे। और हाँ, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दे क्योंकि वहाँ पे मैं यूट्यूब से पहले अपडेट दे देता हूँ। और हाँ, मेरे 50 के फॉलोवर नहीं, आप खुद ही जाके देख लो, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शैलेश लुढ़ा के बाद हाल ही में तारक मेहता शो की फेमस एक्ट्रेस बबीता जी की भी शो छोड़ने की खबर आ रही थी। जी न्यूज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक बबीता जी भी ये शो छोड़ सकती है। जी न्यूज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक मुनमुन दत्ता को बिग बॉस सीजन 16 के OTT प्लेटफॉर्म पर एज ए कंटेस्टेंट आने का अप्रोच किया जा रहा है। मुनमुन दत्ता ने ये बात मानी है कि नहीं मानी वो मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो लगा दूंगा, वो वीडियो आप लोग जाके वॉच कर सकते, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में मुनमुन दत्ता अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में आई हुई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने तारक मेहता से छोड़ दिया, तब उन्होंने अपना मुंह फेरते हुए कहा कि आपके पास कोई और सवाल है तो वो पूछिए। और आपको जानना है कि मुनमुन दत्ता ने बिग बॉस के लिए यस कहा या नो, तो आप ऑरेंज एरो वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि अक्षय की मूवी पृथ्वीराज रिलीज नहीं होगी, वो जानने के लिए आपको 3 एरो वाली वीडियो देखना पड़ेगी। और इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।